लोकसभा चुनाव में नेता अति उत्साह में जनता के सामने अपने विरोधी से बड़ा बनने और अपने कार्यकर्ताओं के सामने रौब दिखाने के चक्कर में मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। कई बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो कुछ को तो नोटिस भेजा गया है और चुनाव आयोग ने पूछा है कि आखिर आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। वहीं सिर से पानी ऊपर चले जाने के बाद चुनाव आयोग एक्शन में दिखा और हेट स्पीच और समाज में वैमनस्य फैलाने को लेकर यूपी की पूर्व सीएम मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर कार्रवाई क्या की, नेता बैकफुट पर आ गए। और हल्का ही सही, लेकिन चुनाव आयोग की कार्रवाई से नेता डरे हुए हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट में मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया है। आईपीसी धारा 500 के तहत मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में केस दर्ज कराया और अगर सुशील कुमार की शिकायत सही पाई गई तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यहां पर हम आपको एक बात बताते चलें कि इस मुकदमे में आरोप सही पाए जाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अभी यही राहुल गांधी की मुश्किलें थमने वाली नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी जोगिंदर तुली नामक शख्स ने आपराधिक मुकदमा दायर किया है। इस आपराधिक मामले में आईपीसी की धारा 124A के तहत मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ है। यहां पर एक बात आपको बताते चलें कि जो राहुल गांधी पर सुशील मोदी ने केस दर्ज कराया है वो राहुल गांधी के कोलार में अपनी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता के सामने राहुल गांधी ने मोदी टाइटल पर तंज कसते हुए कहा था कि जिनके सामने मोदी लगा है वो सब चोर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इन केसों की सुनवाई होगी तो राहुल गांधी अपने बचाव में क्या करते हैं और कानूनी प्रक्रियाओं से कैसे गुजरते हैं और इनसे कैसे बचते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कारण है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी है और जितने मोदी हैं सारे मोदी चोर हैं। और इस उनके इस बयान से देश के अंदर मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं, मेरा भी टाइटल मोदी है और से मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मेरे वकील उसकी तैयारी करें और अगले 1-2 दिनों के अंदर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो एक और तो कहते हैं कि सारे चौकीदार चोर हैं, तो बिहार में तो पासवान समाज के लोग चौकीदारी करते हैं यानी सारे पासवान चोर हैं, फिर कह रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं, तो क्या मोदी टाइटल रखना गुनाह है क्या? और मोदी सरनेम वैसे समाज के लोग, व्यापार करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में और अपना टाइटल मोदी रखते हैं। तो राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्होंने केवल देश के चौकीदारों को चोर नहीं कहा बल्कि मोदी टाइटल रखने वाले इस देश के अंदर करोड़ों लोग जो हैं उनको भी उन्होंने चोर कहा है और इससे मोदी टाइटल रखने वाले लोगों की भावना को ठेस लगा है। और इसलिए मैं कल या परसों पटना के कोर्ट के अंदर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। ये है हमारे जीवन का इतिहास, हमारे सामने धर्म जात रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। उसूलों की जिंदगी जब हो तो बड़े से बड़ा गम छोटा लगता है। याद करो, आप अपना सुलूक याद करो, हमारा याद करो, कितनी बार हम खाली हाथ लेकर आपके पास आए और कितनी ही बार खाली हाथ लेकर वापस चले गए। मेरा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ आपका, आपके समाज का, कमजोर लोगों का जिन्हें कुछ नहीं मिल सका। क्यों? सोचना पड़ेगा आपको, सवाल करना पड़ेगा अपने आप से। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव नसीर अहमद खान जीता हुआ चुनाव हार गए, वजह आप तलाश करो। विजय सिंह जीता हुआ चुनाव हार गए, वजह आप तलाश करो। मैं उन लोगों में से हूं, याद करो मैं पार्टी से निकाला गया था,
एक बीमार शख्स जो दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसने कहा कि मैं 150 राइफलधारियों के साथ रामपुर गया, अगर आजम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे छलनी कर देता। मेरे ऊपर ऐसे रकीक इल्जाम किसी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के आज के कैंडिडेट ने, कि मैंने अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहा कि मेरे ऊपर लगे हुए इल्जाम सब झूठे हैं, सब गलत हैं। मैं बुजदिल आदमी नहीं हूं, मैं बुजदिल नहीं हूं। अगर मैंने कहा होता मैं आपके सामने इकरार करता कि मैंने कहा है, और जो नहीं कहा है वो आसमान ये गवाही देना तू कि सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा, लेकिन अगर कोई बात नहीं है तो उसे हां नहीं कराया जा सकता। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस, मैं 17 दिन में पहचान गया। बीजेपी के कैंडिडेट साहब, आपने दिल्ली के एक मंदिर में माता का दर्शन किया, माता की पूजा की, और पूजा करने के बाद आपने टीवी चैनल से ये कहा कि मैं रामपुर के लिए रवानगी करने वाला हूं। वहां एक दानव है, दानव, उसका मुझे अंत करना है। ये है हमारे जीवन का इतिहास। हमारे सामने धर्म, जात, रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। उसूलों की जिंदगी जब हो तो बड़े से बड़ा गम छोटा लगता है। याद करो, आप अपना सुलूक याद करो, हमारा याद करो, कितनी बार हम खाली हाथ लेकर आपके पास आए और कितनी ही बार खाली हाथ लेकर वापस चले गए। मेरा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ आपका, आपके समाज का, कमजोर लोगों का, जिन्हें कुछ नहीं मिल सका। क्यों? सोचना पड़ेगा आपको, सवाल करना पड़ेगा अपने आप से। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव नसीर अहमद खान जीता हुआ चुनाव हार गए, वजह आप तलाश करो। विजय सिंह जीता हुआ चुनाव हार गए, वजह आप तलाश करो। मैं उन लोगों में से हूं, याद करो, मैं पार्टी से निकाला गया था। एक बीमार शख्स जो दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसने कहा कि मैं 150 राइफलधारियों के साथ रामपुर गया, अगर आजम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे छलनी कर देता। मेरे ऊपर ऐसे रकीक इल्जाम किसी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के आज के कैंडिडेट ने, कि मैंने अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहा कि मेरे ऊपर लगे हुए इल्जाम सब झूठे हैं, सब गलत हैं। मैं बुजदिल आदमी नहीं हूं, मैं बुजदिल नहीं हूं। अगर मैंने कहा होता मैं आपके सामने इकरार करता कि मैंने कहा है, और जो नहीं कहा है वो आसमान ये गवाही देना तू कि सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा, लेकिन अगर कोई बात नहीं है तो उसे हां नहीं कराया जा सकता। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई,
किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी।